हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 क्लास 9th सोशल साइंस के। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज के वर्कशीट का टॉपिक जो है बच्चों वो है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 3। ऑलरेडी पार्ट 2 में हमने हिस्ट्री की बेसिक्स को हम समझ चुके हैं कि हिस्ट्री क्या है, उसी आप कह सकते हो कि उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। डियर चिल्ड्रन, द रीजंस फॉर द ऑल द इवेंट्स दैट्स हैपनिंग इन योर फैमिली नेबरहुड और इवन इन द होल वर्ल्ड टूडे वर इन द पास्ट और हिस्ट्री एंड ड्यू टू दीज इवेंट्स ओनली द फ्यूचर विल बी क्रिएटेड और शेप। यानी जो भी बच्चों हमारे चारों तरफ इवेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली में होते हैं, हमारी नेबरहुड में होते हैं या पूरे वर्ल्ड में होते हैं, कोई भी इवेंट्स, उनका कहीं ना कहीं लिंक होता है पास्ट के साथ। ठीक है, और जो अब जो प्रेजेंट में हो रहा है वो, यानी प्रेजेंट किसके कारण है? पास्ट के कारण। और जो प्रेजेंट है उसके कारण क्या होगा? फ्यूचर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री का मतलब केवल पास्ट में हुई चीज़ें पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री हमें प्रेजेंट से जोड़ती है, हिस्ट्री हमें हमारे फ्यूचर से जोड़ती है। द कॉज ऑफ द प्रेजेंट इज हिडन इन हिस्ट्री इटसेल्फ। देखिए, विच विल बिकम द बेसिस ऑफ द फ्यूचर। यानी जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसका रीज़न कहाँ है? पास्ट में है, हिस्ट्री में छुपा हुआ है। ठीक है, और वो जो, यानी पास्ट ही क्या हो गया? ऑटोमेटिक बेस हो गया किसके लिए? फ्यूचर के लिए। एनी इवेंट दैट हैपन्स एट एनी टाइम इज़ द रिजल्ट एंड कॉज ऑफ सम इवेंट्स और द अदर। जो भी होता है उसका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ा है। दैट्स वाई हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अ मीन्स ऑफ नोइंग द पास्ट बट ऑल्सो अ मीन्स ऑफ शेपिंग द फ्यूचर। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है केवल पास्ट को जानना नहीं है बल्कि फ्यूचर को, एक जो फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में भी हिस्ट्री जो है हमें बताती है। यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी एंड ग्रेजुअली टुक एडवांटेजेस ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यूरोपियन ट्रेडर्स जो है वो 17th सेंचुरी में इंडिया में आए और धीरे धीरे ग्रेजुअली एडवांटेज, जो हमारे इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस टाइम, देखिए हमारा जो इंडिया है बच्चों वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, और इंडिया में यूनिटी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कोई भी हमारे ऊपर अगर आक्रमण करता है तो हम सब इकट्ठे थे, नहीं, अलग अलग अपनी अपनी रियासतों पे ध्यान देते थे। और इसी बात का फ़ायदा जो है वो अंग्रेज़ों ने उठाया था, यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने उठाया था, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर क्या करने लगे? राज करने लगे। दिस कंसाइडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर पेविंग द वे फॉर रीजनल पावर्स सच एज मराठा, सिख, जाट, नवाब ऑफ बंगाल, अवध एंड रुहेल्स। तो इस तरह से जो मुगल एम्पायर था वो जो है क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हो गया और ये जो बाकी नवाब बंगाल, सिख, जाट, मराठा, ये सब अलग अलग जो है इस तरह से बट गए। दोज फॉरनर्स हु हैड कम टू डू ट्रेड एंड बिजनेस ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। अब इसी चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? जो फॉरनर्स यहाँ पे ट्रेड करने आए थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया कि सब अलग अलग हो गए और उन्होंने अपना, अपने आप को वहाँ का मालिक जो है बना दिया और वो हमारे मास्टर बन गए। द ब्रिटिश एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द रेस ऑफ सुपरमेसी कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ इंडिया इन लेस देन 200 ईयर्स। और वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, और 200 साल से भी कम सालों में जो है, यानी पूरे 200 साल भी नहीं हुए कि वो पूरी तरह से उन्होंने भारत के ऊपर अपना राज जो है वो स्थापित कर लिया। दो द रिवल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे एंड मैनी मोर ट्राई टू ओवर थ्रू दिस फॉरेन डोमिनेशन विच आर क्रश्ड बाय द ब्रिटिश। देखिए 1857 की जो रेवोल्यूशन था वो हमने पढ़ा हुआ है, आप बच्चों ने पढ़ा हुआ है, उसमें हमने देखा कि किस तरह 1857 के रिवोल्ट में इनको उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई थी सबसे पहले, लेकिन उसको भी जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे यानी जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। उसके रीज़न भी कहीं ना कहीं
कहीं जो है वो हमारी डिसइंटीग्रेशन ही थी, ठीक है, समय पर सही प्लानिंग ना होना, वो चीज़ें थी, लेकिन हम पूरी तरह से 1857 का जो रिवोल्ट था उसको फेलियर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये एक ऐसा आप कह सकते हो इनिशिएशन था कि हर एक जो मिडल मैन था, हर एक जो आदमी था, उसके अंदर एक तरह से स्वतंत्रता की, फ्रीडम की आग जो है इस रेवोल्यूशन ने जला दी थी, इसीलिए हम इसको फेलियर नहीं कह सकते, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द ब्रिटिश एम्पायर बाय क्राउनिंग ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो है इंडिया की जो ब्रिटिश एम्पायर की जो क्वीन थी विक्टोरिया, उनको इंडिया की क्वीन भी बना दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया को ब्रिटेन में एक तरह से मिला दिया गया। नाउ ड्यू टू द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द होल ऑफ इंडिया, इंडिया वॉज टाइड इन द थ्रेड ऑफ यूनिटी। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके रूल इंडिया पे चलने लग गए, ठीक है, अब उसके रूल जो है इंडिया पे चलने लगे। इससे क्या हुआ, इससे जो भी इंडिया के लोग थे वो अनायास ही, अचानक ही अपने आप ही जो है यूनिटी की के थ्रेड में वो जो है बंधने लग गए, यानी एकता के सूत्र में बंधने लग गए, ठीक है। दिस दस पॉलिटिकल यूनिटी वॉज एस्टेब्लिश इन द कंट्री। और इस तरह से पॉलिटिकल यूनिटी कंट्री में एस्टेब्लिश हो गई, यानी पहले तो सब लोग अपनी अपनी रियासतों का ध्यान रखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हमारी जो है पूछ नहीं है, या आप कह सकते हो कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है, जो भी राजा महाराजा थे तो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का उनको सारा हुकूमत माननी पड़ती थी, तो इससे वो धीरे धीरे एक होते चले गए। द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेस्टर्न एजुकेशन मेड द फाउंडेशन ऑफ दिस यूनिटी मोर सॉलिड। धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया इंडिया में, यानी अब जो वेस्टर्न पॉलिसीज थी वो शुरू होने लगी, वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट हो गई, जिससे कि और भी ज़्यादा मजबूती मिली यहाँ के लोगों को यूनिटी में बनने के लिए। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि मीडिया और न्यूज़पेपर ये सब जो है धीरे धीरे यहाँ पे विकास होने लगा, और इससे और भी बल मिला लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए। द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंदा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी, द डिजास्ट्रस इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, द राइज ऑफ द मिडिल क्लास लेड टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, जो सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, समाज सुधारक जिसको हम कहते हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये पिलर थे हमारे देश में सुधार लाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न थे, सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी ख़त्म कर दी गई, अपनी पॉलिसीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोपनी शुरू कर दी, ठीक है, जिससे कि मिडिल क्लास जो लोग थे उनके अंदर भी रेवोल्यूशन की भावना का जन्म हुआ। थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो होम रूल लीग, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, दे प्रमोट द नेशनल स्पिरिट इन ऑलमोस्ट होल कंट्री। इन सब ने भी लोगों के अंदर जो एक नेशनल स्पिरिट होती है, देश के प्रति भावना होती है, उसको आप कह सकते हो ना, उसको उत्पन्न करने में इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरीज लाइक बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, फॉट अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। ये सब हमारे क्या हैं, रिवोल्यूशनरीज हैं, जिन्होंने अपने आप को हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने आप को उस अग्नि में झोंक दिया, जिसमें वो खुद जल गए, ठीक है, और उस अग्नि का जो आप कह सकते हो ना कि उनके बलिदान का फ्रूट जो फ्रीडम है, वो आज हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। Now we got independence in the year 1947। और इस तरह से 1947 में हमारा देश जो है वो इन रेवोल्यूशनरीज की बदौलत आज़ाद हो गया। Now, dear children, while remembering of the glorious past of our country, taking lessons from the past mistake, we have to improve our present and plan for a golden future. So, अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है आपको, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जो है यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई हैं, और हमने अपना जो ग्लोरियस पास्ट है हमारे कंट्री का, ठीक है, उसको याद रखना चाहिए, उसमें पास्ट में की गई गलतियों से हमें सीखना चाहिए और अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, और अपने लिए एक गोल्डन फ्यूचर जो है वो हमें प्लान करना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उससे हम अपना प्रेजेंट जो है वो ठीक करेंगे, और हमारे प्रेजेंट पे टिका है हमारा फ्यूचर। इसलिए हिस्ट्री एक ऐसी
आप कह सकते हो एक ऐसा पाथ है जो कि हमें पास्ट फ्यूचर से जोड़ता है। अब इसमें देखिए, नाउ इजेंट द जर्नी ऑफ हिस्ट्री वॉज इंटरेस्टिंग, तो हिस्ट्री है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो हमारी जर्नी है हिस्ट्री की। अब देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जिनको हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ डज हिस्ट्री अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड पास्ट, कि जो हिस्ट्री है वो हमारे प्रेजेंट और पास्ट को कैसे इफेक्ट करती है। सो आंसर लिखेंगे आप, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अफेक्ट्स आवर प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट बिकॉज इट अलाउ वन टू मेक मोर सेंस ऑफ द करंट वर्ल्ड। जो भी हमारा आज का संसार है उससे जो है पास्ट से हमें बहुत कुछ पता चलता है। द कॉज ऑफ द प्रेजेंट इज हिडन इन हिस्ट्री इट्सेल्फ which will become the basis of the future. Any event that happens at any time is the result and cause of some event or the other. That's why history is not only a means of knowing the past but also a means of shaping the future. ठीक है, इससे केवल हमारा past ही नहीं, हमारा present ही नहीं, बल्कि future भी हम history के कारण ही shape कर पाते हैं। Now क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डिड यूरोपियन मर्चेंट्स सक्सीड इन एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया। सो देखिए, क्यों जो है यूरोपियन मर्चेंट वो सक्सेसफुल हुए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने में इंडिया में अपना। एक्चुअली आंसर क्या लिखेंगे, देयर वाज नो इंटीग्रेशन इन इंडिया, इंडिया में इंटीग्रेशन नहीं था, एकता नहीं थी। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीसेस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया यूरोपियन ट्रेडर्स वर सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग देयर अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, What were the various reasons for the rise of the national movement in India? National movement जो इंडिया में हुए उनका reason क्या था? बहुत सारे reason थे जिसमें से कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। First is financial dissatisfaction. Second, taking more taxes from farmers. Farmers से बहुत ज़्यादा tax वो लेते थे जिससे उनके अंदर गुस्सा जो है वो उभरा था। थर्ड है पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदूज और मुस्लिम को जो है डिवाइड एंड रूल की नीति वो अपना रहे थे जिससे लोगों में गुस्सा आया। फोर्थ है एनफोर्सिंग रिप्रेसिव पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज वो लगा रहे थे जिससे कि जो लोग हैं वो अपनी बात ना कह पाएं। नंबर फिफ्थ है डिस्ट्रॉइंग इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी, तो इंडिया की जो सेल्फ सपोर्टिंग जो गांव की इकोनॉमी थी उसको ख़त्म करना वो लोग कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हीरोज़ ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो बेटा आपको जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज़ थे, ठीक है, जो लीडर्स थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता में अपना जो है योगदान हर तरीके से दिया। कुछ के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आप अगर इनके अलावा कुछ और लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है मंगल पांडे, मंगल पांडे वाज एन इंडियन सोल्जर थे हु प्लेड अ की पार्ट इन द इवेंट्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द आउटब्रेक ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। यानी जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका जो बेस था वो मंगल पांडे ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखिए खुदीराम बोस, फर्स्ट ऑफ ऑल खुदीराम बोस वॉज हैंग्ड ऑन 19th August 1908। खुदीराम बोस जो है वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको 19 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। द इफेक्ट ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज सच ऑन द यूथ ऑफ इंडिया दैट बोस बिकेम सिनोनिम ऑफ रेवोल्यूशनरी वैलोर। यानी उनकी जो ये ब्रेवरी थी, उन्होंने जो फांसी ली थी वो लोगों के ऊपर इतना इफेक्ट कर गई कि एक तरह से वो रेवोल्यूशन के क्या बन गए, सिनोनिम बन गए। ठीक है, लोगों ने उनके नाम के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, ही नेम्ड हिज नेम्ड एज आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद उन्होंने अपना नाम जो वो क्या बताया, आज़ाद बताया। और फादर का नाम क्या था, स्वतंत्रता, और उनका घर का नाम क्या था, जेल। केवल महज 24 ईयर्स की एज में उनको भी जो है डेथ की जो है सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी, ही सफोकेटेड द ब्रिटिश विद द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं, सफोकेटेड यानी बेटा एक तरह से उनका गला घोट देना, उनको उनका जो है उनको परेशानी में डाल देना। तो उनके हथियार क्या था, नॉन वायलेंस, केवल नॉन वायलेंस के बेस पे उन्होंने ब्रिटिश को सफोकेट कर दिया, उनको घुटनों के बल ला के खड़ा कर दिया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा, इसके अलावा भी आप फ्रीडम फाइटर्स के नाम लेके उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, या एक तरह से आपके लिए एक्टिविटी है। ठीक है, या आप ये नाम भी लिख सकते हो। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई वर्कशीट के साथ।